नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। लखनऊ में आज आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक आप सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में दोपहर 2 बजे इको गार्डन में आम आदमी पार्टी चेतावनी धरना प्रदर्शन करेगी। बता दें कि इस धरना प्रदर्शन में भारी संख्या में कार्यकर्ता धरना करेंगे। खबर पर हमारी संवाददाता सुहानी हमसे जुड़ेंगी। सुहानी, आम आदमी पार्टी आज धरना प्रदर्शन करेगी, क्या मकसद है इस धरना प्रदर्शन का, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? नंबर दे दिए हैं, बता दें आज आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन करने जा रही है। लगातार धरना प्रदर्शन कर आम आदमी पार्टी सरकार को घेरने की कोशिश में है। को बता दें कि आप सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में दोपहर 2 बजे इको गार्डन में आम आदमी पार्टी चेतावनी धरना प्रदर्शन करेगी। उसमें कई संख्या में आपके कार्यकर्ता शामिल होंगे। ये धरना प्रदर्शन लखनऊ के इको गार्डन में दोपहर 2 बजे होगा। बता दें आज आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन होगा और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता सुहानी का। सुहानी, लखनऊ में आज आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी, क्या मुख्य वजह है धरना प्रदर्शन करने की, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? जी मेरी, आपको बता दें कि संजय सिंह भाजपा के आम आदमी पार्टी के संजय सिंह है वो आज इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उनका मेन मोटिव यही है कि जो भाजपा सरकार में जो बिजली बिल जो बहुत ज्यादा हो रहा है, आम जनता इससे बहुत ज्यादा उनको हानि पहुंच रही है। वहीं दूसरी तरफ जो किसानों को भाजपा पहले चुनाव आने से पहले इन्होंने वादा किया था कि किसानों को मुफ्त बिजली दिया जाएगा, वही दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि किसानों को बिजली बिल आने पर उनके यूट्यूबर पर बिजली भी लगाया जा रहा है और उनके कनेक्शन काट दिया जा रहा है। इन्हीं सभी को लेके संजय सिंह जो है आज वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके तमाम ऐसे और भी ऐसे मोटिव है जिनको लेकर आज वो धरना प्रदर्शन लखनऊ के इको गार्डन में करने जा रहे हैं। उन्हीं दूसरी तरफ जो योगी आदित्यनाथ है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो किसानों को हम मुफ्त बिजली देने का जो वादा किए थे उसे निभा रहे हैं और उनका साफ तौर पर यही कहना कि उनका आदेश है कि अगर अब किसानों को बिजली बिल ना देने पर उनका कनेक्शन काटा जाएगा तो उसे किया जाएगा और हम बिजली बिल उनको मुफ्त देते हैं क्योंकि किसान हमारे देश के एक विभिन्न अंग है और हम उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने वादा किया और उस वादे से हम मुकर जाएंगे। तो वही योगी आदित्यनाथ तो साफ तौर पर उनका कहना है कि हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे और उनके यूट्यूबर पर कोई कनेक्शन कार्ड नहीं ना लगाया जाएगा। तो साफ तौर पर उनका यही कहना है कि बिजली बिल मुफ्त किया जा रहा है। आप देखते हैं कि संजय सिंह इस मुद्दे को लेकर इको गार्डन में और क्या कहते हैं। 2 बजे उनका धरना प्रदर्शन, उसमें देखते हैं क्या मांग होती है और क्या वो जनता के लिए मांग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बिजली विभाग जो 23% बिजली बढ़ाने की मांग की थी उसके भी योगी सरकार ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है, लेकिन उनका साफ तौर पर यही करना है कि आम जनमानस के लिए इतना परसेंट बिजली बिल बढ़ाना मुश्किल होगा तो कुछ ना कुछ उससे भी योगी आदित्यनाथ इस पे कार्रवाई करेंगे। सुहानी, आप सांसद संजय सिंह का साफ तौर पर कहना है कि ये जो बिजली दरें बढ़ रही है उसमें बीजेपी का भ्रष्टाचार शामिल है। जी मयूरी, आपको बता दें कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये जो बिजली बढ़ाई जा रही है वो बिजली कंपनियां हैं और बिजली कंपनियां आखिर ये क्यों बढ़ाने के क्यों, उनका ये साफ तौर पर यही कहना है कि जो भी ये कार्य हो रहा है चाहे वो सड़क पर हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट का हो चाहे ग्लोबल चाहे G20 का जो कार्य हो रहा है इन्वेस्टमेंट सबमिट का हो रहा है, तो इसको लेते हुए बिजली कंपनियां जो भी ये आदेश दी है कि 23% बिजली बढ़ाया जाए उसमें योगी सरकार अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनका इसमें लेना देना नहीं है साफ, लेकिन विपक्ष का यही उनका मुद्दा बना लिए हैं कि जो हमारे सरकार में जो बिजली बिल कम थी और जब भाजपा सरकार आई तो बिजली बिल बढ़ा दिए, लेकिन आम जनमानस के पूछने पर भी उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कोई भी ऐसी सरकार आई है जिसमें बिजली बिल बढ़ाया गया है, ना ही भाजपा सरकार में बिजली बढ़ाया गया है ना ही अलग, तो जो भी सरकार आती है उसमें इक्वल बिजली बिल रहता है। तो आम जनमानस का भी साफ तौर पर यही कहना है कि भाजपा सरकार के आने पर ही नहीं बिजली बढ़ाया गया है बल्कि पहले से ही बिजली बिल इतना ही था। तो अब देखते हैं कि योगी सरकार इस पे क्या प्रतिक्रिया दे रही है। वही आम
आम आदमी पार्टी जो सांसद संजय सिंह है वो कुछ ना कुछ मुद्दा लेके हमेशा बनाए रहते हैं और उनका साफ तौर पर है, पिछले टाइम जो लेके बिजली बिल का मुद्दा बनाए थे, अब ये पे आके अब महंगाई को लेकर मुद्दा बना रहे हैं। तो ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे जो विपक्ष बनाते रहते हैं, वह निकाय चुनाव आने वाला है तो उसे लेकर विपक्ष पार्टी भी अपनी चुनावी तैयारियों को लेकर सक्रिय हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा आम जनता के दिमाग में बहुत सक्रिय रहेगी, इसलिए विपक्ष इन सब मुद्दों को लेकर उठा रही है, उस पर धरना प्रदर्शन कर रही है, बैठकें कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं विपक्ष के लिए जो कि लेके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुहानी, आम आदमी पार्टी जो आज धरना करेगी उसमें संजय सिंह ने सभी से अपील की थी कि अधिक से अधिक संख्या में लोग शामिल हो, तो क्या लगता है कितनी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हो सकते हैं? जी मयूरी, आपको बता दें कि इस इको गार्डन में जो धरना प्रदर्शन है इसमें कहीं ना कहीं आम जनमानस जो है वो आम जनता जाके वहाँ पे अपना साथ सहयोग दे सकती है, क्योंकि संजय आम जनता पार्टी के जो सांसद संजय सिंह हैं उनके जो पार्टी के लोग हैं वो भी जा सकते हैं और उन्होंने साथ ही अपील किया है। उन्होंने ये भी कहा था कि हम 1 फरवरी से बिजली बिल के लेके विरोध प्रदर्शन करेंगे और वही अपना जो मुद्दा है वो आज लेकर जा रहे हैं। अब देखना होगा 2 बजे कि वहाँ उस इको गार्डन में जो विरोध प्रदर्शन करें उसमें कितने सहभाग होते हैं और कितने लोग जाकर उनके साथ देते हैं। अब तो ये 2 बजे जाके देखना ही होगा और क्या क्या उनका मुद्दा होगा और क्या क्या वो योगी सरकार के इस मुद्दे पे बनाएंगे और क्या क्या विरोध प्रदर्शन में मांग करेंगे तो देखना है। लेकिन उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो भाजपा की सरकार है ये तब से किसानों के हक मार रही है, किसानों के प्रति कुछ ऐसा कार्य नहीं की है और किसान तो हमारे देश के विभिन्न अंग है। लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का ये भी कहना है कि हम किसानों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और उनके हित में ही कार्य करते हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि किसानों को मुफ्त बिजली दिया जाएगा और उनसे कोई उनका विद्युत कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। अब देखना होगा कि 2 बजे संजय सिंह क्या अपना मांग करते हैं। जी धन्यवाद सुहानी तमाम जानकारियों के लिए। बता दें 2 बजे इको गार्डन में आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन होगा जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी महंगाई को लेकर आज धरना करेगी। धरना प्रदर्शन में भारी संख्या में आप कार्यकर्ता जुटेंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच